सीताराम रामायण भाग 34। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह भी टाले टल नहीं सकता। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंता करने लगे, विधाता को दोष देने लगे जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया। मतलब ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर काल केतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे जिसने सब वैरी राजा सेना सजा सजा कर चढ़ दौड़े और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा शूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा। सत्य केतु के कुल में कोई नहीं बचा। राजा भी वीरगति को प्राप्त हुए। भला ब्राह्मणों का शाप जूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल धूम सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। भरद्वाज सुन, जाहि जब होए विधाता बाम धूर मेरु सम जनक जम ताही ब्याल सम दाम सियावर रामचंद्र की जय। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नाम का राक्षस हुआ। वही महान धर्मात्मा राजा जो था प्रताप भानु, ब्राह्मणों के शाप से, होनहार से, परिवार सहित रावण नाम का राक्षस हुआ। दशानन लंका का राजा, उसके 10 सिर और 20 बाहें थी और वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। काल पाई मुनि सुन सोई राजा, भयों निसाचर सहित समाजा। 10 सिर ताहीं 20 भुजदंडा, रावण नाम वीर बरिबंडा। अरिमर्दन नाम का जो राजा का छोटा भाई था वह बहुत बड़ा बलवान बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। अरिमर्दन कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था जिसका नाम धर्म रुचि था वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। सौतेला छोटा भाई उसका नाम पड़ा विभीषण, जिसे सारा जगत जानता है, भगवान के भक्त हुए। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था और राजा के पुत्र और सेवक जो थे वे सब बड़े भयानक राक्षस हुए। नाम विभीषण तेहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट कुटिल भयंकर विवेक रहित निर्दयी हिंसक पापी और सारे संसार को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता। काम रूप खल जिनस अनेका कुटिल भयंकर विगत विवेका कृपा रहित हिंसक सब पापी बरन न जाहे विश्व परितापी। यद्यपि वे पुलस्त्य ऋषि के पवित्र निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए फिर भी ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए। उपजे यद्यपि पुलस्त्य कुल पावन अमल अनूप तदपि महीसुर श्राप बस भय सकल अगरूप सियावर रामचंद्र की जय। तीनों भाइयों ने अनेक तरह की बड़ी ही कठिन तपस्या की जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूं, वर मांगू। रावण ने विनय करके चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर सुनिए,
वानर और मनुष्य इन दोनों जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे न मरे, यह वर दीजिए। शिव जी कहते हैं, मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो, तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए, उसे देखकर उनके मन में बड़ा अचरज हुआ। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा, रोज खाएगा, तो सारा संसारी उजाड़ हो जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को प्रेरणा की, उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र, वर मांगो। अब विभीषण महाराज की बारी, परंतु उन्होंने सब छोड़ भक्ति की तैयारी। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल निष्काम अनन्य प्रेम मांगा। गए विभीषण पास पुनः, कहेउ पुत्र वर मांग, तेहि मांगेउ भगवंत पद, कमल अमल अनुराग सियावर राम चंद्र की जय। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई बड़े प्रसन्न होकर अपने घर लौट आए। मय दानव की मंदोदरी नाम की बेटी परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। मय दानव ने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ। फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। समुद्र के बीच में त्रिकूट नाम का पर्वत, उस पर्वत पर ब्रह्मा जी का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मय दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। जैसी नाग कुल के रहने की पाताल लोक में भोगावती पुरी है और इंद्र के रहने की स्वर्ग लोक में अमरावती पुरी है, उनसे भी अधिक सुंदर और बांका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम प्रसिद्ध हुआ लंका। तिन ते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम ते ही लंका। उसे चारों ओर से समुद्र की अति गहरी खाई घेरे हुए है। उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही शूर वीर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही शूर प्रतापी अतुलित बलवान सेना सहित उस नगरी में रहता है। हरि प्रेरित जेहि कल्प जोई, जातु धान पति होय, सूर प्रतापी अतुल बल दल समेत, बस सोई सियावर रामचंद्र की जय। पहले वहां बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहां कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते हैं। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। देख विकट बट बड़ी कटकाई, जच्छ जीव ले गए पराई। तब रावण ने घूम फिरकर सारा नगर देखा। उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उससे पुष्पक विमान को जीत कर ले आया। फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ में ही कैलाश पर्वत को उठा लिया, कैलाश पर्वत को, और मानो अपनी भुजाओं का बल तौल कर
बहुत सुख पाकर वह वहां से चला आया। कौतुक ही कैलाश पुन लीने से जाए उठाए मनोह तौल निज बाहुबल चला बहुत सुख पाए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक जय प्रताप बल बुद्धि और बड़ाई ये सब उसके नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। धन संपत्ति बेटा सेना सहायक जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई कैसे बढ़ रहे हैं जैसे हर लाभ पर लोभ बढ़ता है। हरे राम। देखिए कैसी सुंदर उक्ति अद्भुत। जबकि होना ऐसा चाहिए कि जो 10,000 कमाता था अगर भगवान ने उसे 50,000 दिए कमाई बढ़ा दी इतनी तो फिर उसको तो भजन करना चाहिए समय निकालना चाहिए धैर्य धारण करना चाहिए दान करना चाहिए। पर महाराज होता उल्टा है फिर वो कहता है 50,000 में क्या होता है लाख रुपए होने चाहिए। कैसी अद्भुत माया है। हे हरि। नित नूतन सब बाढ़त जाई जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई। राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। नित नूतन सब बाढ़त जाई जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था। 6 महीने उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। यदि वह हर रोज भोजन करता तो सारा संसार बिल्कुल चौपट शीघ्र ही खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। जो दिन प्रतिहार कर सोई विश्व बेग सब चौपट होई। मेघनाद रावण का बड़ा बेटा था जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। भटमहु प्रथम लीक जग जासु रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। मेघनाद आया भैया भागो भागो। इनके अलावा दुर्मुख अकंपन वज्रदंत धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। कुमुख अकंपन कुलिसरद धूमकेतु अतिकाय एक एक जगत जीत सक ऐसे सुबट निकाय सियावर रामचंद्र की जय। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे उनके दया धर्म सपने में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अनगिनत परिवार को देखा। बेटे पोते कुटुंबी सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी बोला, हे सारे राक्षसों के दलों सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर ही भाग जाते हैं। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझा कर कहता हूं, अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन यज्ञ हवन और श्राद्ध जिससे उनका बल शक्ति बढ़ जाते हैं, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहजी में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा अथवा अच्छी तरह अपने अधीन करके गुलाम बना के छोड़ दूंगा। छुदा छीन बलहीन सुर सहजी मिली है आए तब मारी हो कि छाड़ी हो भली भांत अपनाए सियावर रामचंद्र की जय। फिर उसने मेघनाथ को बुलवाया
और सिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति वैर भाव को उत्तेजना दी। दीन सिख बलु बैर बढ़ावा। फिर काय बेटे, जो देवता युद्ध में धीर और बलवान हैं और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, उन्हें युद्ध में जीत कर बांध कर लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को सिर पे धारण किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। रावण के चलने से धरती डगमगाने लगी, उसकी गर्जना से देव रमणियों के गर्भ गिरने लगे। चलत दशानन डोलह अवनी, गर्जत गर्भ श्रमह सुर रवनी। क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं तकी, भाग कर सुमेरु की गुफाओं का आश्रय लिया। दिक्पालों के सारे सुंदर लोकों को रावण ने सूना पाया। बार बार भारी शेर जैसी गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार कर गालियां देता था। हाँ, पुन पुन सिंह नाद कर भारी, दे देवतन गारी पचारी। रण के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी, किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग सबके पीछे हठ में भरकर पड़ गया। किसी को भी उसने शांति से बैठने नहीं दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहां तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सब रावण के अधीन हो गए। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे। नित्य आकर नम्रता में भरकर उसके चरणों में सर नवाते थे। किन्नर, सिद्ध, मनुज, सुर, नागा, हठ सबही के पंथ है लागा। ब्रह्म सृष्टि जह लगी तनुधारी, दशमुख बस बरती नर नारी। आयस करें सकल भयभीता, नवह आए नित्य चरण बिनीता। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को आजाद रहने नहीं दिया। इस तरह मंडलीक राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपने इच्छा के अनुसार राज करने लगा। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर, नागों की कन्याओं और बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीत कर ब्याह लिया। देव जच्छ गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जीती बरी निज बाहु बल बहु सुंदर बर नार सियावर राम चंद्र की जय। श्री राम सीताराम, जय श्री कृष्ण।